खबर से करते हुए बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी ने 20 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सलुम्बर से कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया गया है, तो वहीं मुंडावर से पृथ्वीराज, गोगुंदा से दलपत गरासिया, झाडोल से निम्बाराम भील, उदयपुर ग्रामीण से खेमराज कटारा को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं भीम से हुक्मा राम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। नाथद्वारा से बाबूलाल सालवी और कुंभलगढ़ से नारायण लाल मीणा को मैदान में उतारा गया है। तो 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है बहुजन समाज पार्टी की ओर से। बड़ी खबर आपको बता रहे, अब चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया, ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं उनकी ओर से प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी ने 20 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बीएसपी की ओर से 20 प्रत्याशियों की सूची, क्या खास उम्मीदवारों में? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान के चुनाव में बीएसपी भी जो है वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है और तमाम जगहों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर रही है। सबसे पहले लिस्ट जारी करने में बहुजन समाज पार्टी ही है और लगातार उनकी लिस्ट जो है वो आ रही है। आज 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो आई है। हालांकि इस लिस्ट में कोई ऐसा जाना माना चेहरा जो है वो नहीं है, लेकिन खासतौर पर ये देखने वाली बात है कि दक्षिण राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने फोकस किया है और जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर जो है वो टिकटों की घोषणा जो है वो बीएसपी द्वारा की गई है। चाहे बात उदयपुर ग्रामीण हो, भीम हो, नाथद्वारा हो, कुंभलगढ़ हो, प्रतापगढ़ हो, आसपुर, चौरासी, घाटोल, गढ़ी और कुशलगढ़, ये वो इलाके हैं जहां पर आदिवासी वोटर्स की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि इस इलाके में संभवतः बीएसपी जो है वो अपनी खास फोकस जो है वो करना चाहती है और इसी के तहत यहाँ पर उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो की गई है। पहले भी करीब 3 लिस्ट जो है वो बीएसपी जो है वो जारी कर चुकी है और अब ये लिस्टों के बाद जब पूरी लिस्टें आ जाएंगी बीएसपी की, उसके बाद बीएसपी की जो सुप्रीमो है मायावती वो राजस्थान में आकर 8 रैलियां जो है वो आने वाले दिनों में करने वाली। बिल्कुल सौरभ, बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियों का तारीख भी तय है और निश्चित तौर पर यहां दमखम भी दिखाएंगी। आप कह रहे हैं कि आदिवासी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखा गया है क्या सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए हर पार्टी जो है वो कास्ट फैक्टर को जो है वो विशेष ध्यान रखती है और उसी के तहत अलग अलग जगहों पर उम्मीदवार जो है वो उतारे, लेकिन ये जो सीटें हैं वो खासतौर पर एसटी रिजर्व जो सीटें हैं वहां पर जो है वो उम्मीदवार जो है वो उतारे गए हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया कि घाटोल, गढ़ी, चौरासी, उदयपुर, प्रतापगढ़, कुंभलगढ़, ये वो इलाके हैं जहां पर आदिवासी बहुल इलाके हैं और वहां पर जो है वो नामों की घोषणा जो है वो की गई है। लेकिन कोई बड़ा नाम जो पूर्व विधायक रहा हो या फिर किसी दूसरी पार्टी से कोई शामिल होकर इसमें नाम आए ऐसा कोई नाम देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की अपना एक वजूद रहा है पिछले कुछ चुनाव। बिल्कुल, बीएसपी भी जो है वो पूरी दमखम के साथ इस चुनाव को गंभीरता से लड़ने की कोशिश जो है। बिल्कुल सौरभ, और यही वजह है कि इस बार का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। सभी पार्टियां पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही हैं। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, वो लिस्ट जो बसपा की ओर से जारी की गई है, 20 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, वो लिस्ट आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। उन तमाम प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट के जरिए आप देख सकते हैं कहां कहां से किन किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। सौरभ, इससे पहले हमने जो तस्वीरें देखी, चाहे बात करें बीजेपी की या कांग्रेस की, कई जगहों से बगावत के सुर उठ रहे हैं, क्या इस लिस्ट में किसी ऐसे प्रत्याशी का नाम है जिन्हें लेकर बगावत हो सकता है? देखिए बीएसपी में बगावत की संभावना जो है वो इसलिए कम है क्योंकि बीएसपी में जो है वो इस प्रकार की परंपरा जो है वो नहीं है और इतना जनाधार भी जो है वो नहीं है। देखिए पूर्वी राजस्थान में बीएसपी का जनाधार है और वहां से उनके विधायक लगातार जीतते आते रहे हैं, लेकिन दक्षिण में, पश्चिम राजस्थान में, सेंट्रल राजस्थान में उनकी इतनी पकड़ नहीं है कि टिकटों को लेकर जो है वो विवाद हो या विरोध के तस्वीर जो है वो देखने को मिले, तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो नहीं आई। लेकिन
पिछले दिनों ये देखने को मिला था कि बांदीकुई से एक टिकट को बदला गया पहले घोषणा करने के बाद, फिर दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया और फिर वापस से बदलकर जो है वो पूर्व में जो निर्धारित व्यक्ति था उसी को ही टिकट दिया गया। तो इनमें भी कुछ छोटे लेवल पर विरोध और ये देखने को मिलता है, लेकिन इस प्रकार का विरोध जो बीजेपी कांग्रेस में होता है वो विरोध यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल सौरभ, उतना विरोध नहीं है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चलता भी रहता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।